Good morning, students, and welcome back again to video lectures. इसके पहले वाले कई videos में हमने chapter 1 और chapter 2 पढ़ा, explanation and exercises and everything. आज हम एक grammar का topic करते हैं. जब आप लोग form 5 में थे तब मैंने आपको विभक्ति के रूप सिखाए थे, जो वो बालक और लता और फल वाले जो विभक्ति के रूप थे प्रथमा से लेकर सप्तमी तक के, वो मैंने आपको सिखाए थे. उसमें आपने सीखा था कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये सात विभक्तियां होती है और लास्ट में जो होता है वो संबोधन होता है, वो अष्टमी विभक्ति नहीं होता. और हर एक विभक्ति का अपना खुद का एक मीनिंग है. सो अल्टीमेटली जैसे हम टू रीड, यानी कि जो वो वर्ब है उसमें आईएनजी डाल देते हैं तो वो रीडिंग हो जाता है, यानी कि ओनली वर्ब में से एक्शन वर्ब बन जाता है. सिमिलरली पठ, यानी कि जो धातु है उसमें ती डालने से पठती, तो वो धातु रूप बन जाता है. तो वो तो वर्ब या तो धातु की बात है, बट हमें विभक्ति की बात करनी है. विभक्ति इज नथिंग लेस देन एक्शन वर्ड्स. जैसे कि एक शब्द है बालक, तो बालक शब्द है, उसमें अगर डॉट डॉट जोड़ दिया जाए तो बालक कह बनेगा. तो वो बालक कह वो एक्शन वर्ड हुआ, वो होता है क्रिया पद और ये होता है विभक्ति रूप. ठीक है, तो ये जो सारी विभक्तियां है, सात विभक्तियां और आठवां संबोधन, तो 8 × 3 24 टाइप्स, एक ही वर्ड के 24 टाइप के जो रूप होते हैं उसे विभक्ति रूप कहते हैं. ठीक है, ऑलरेडी वो आपने फॉर्म 5 में बालक, लता और फल, यानी कि अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग, ये तीन प्रकार के विभक्ति के रूप पढ़े हैं. आज हम जो विभक्ति रूप पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि ग्रामर का एक टॉपिक जो आपका आज हम शुरू कर रहे हैं, वो है विभक्ति रूप, बट किसके? अस युष्मद शब्द के. मैंने आपको फॉर्म 5 में ये भी सिखाया था कि जो प्रथम पुरुष होता है वो, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो मध्यम पुरुष यानी हमारे सामने वाला, और उत्तम पुरुष यानी कि हम, ये प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष जो होते हैं उसमें से जो ये मध्यम पुरुष होता है सामने वाला यू, उसको युष्मद कहते हैं. और युष्मद के सात विभक्तियों के विभक्ति के रूप होते हैं जो कि हमें आज पढ़ने हैं. तो ज़्यादा समय न लेते हुए डायरेक्टली चलिए आज हम शुरू करते हैं. ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर मैंने युष्मद शब्द के विभक्ति रूप लिखे हैं. आप यहाँ टाइटल पढ़ सकते हैं विभक्ति रूपाणी, और जो टेबल का टाइटल है वो ये है युष्मद. ठीक है, हम एक एक विभक्ति पढ़ते जाते हैं. प्रथमा विभक्ति है त्वम युवाम यूयम. आपको पता है प्रथमा यानी जो सब्जेक्ट होता है, जो व्यक्ति होता है वही, एक वचन में त्वम यानी कि तुम, युवाम यानी कि तुम दोनों, और यूयम यानी कि तुम सब. ठीक है, फिर द्वितीय विभक्ति होती है त्वाम युवाम युष्मान. द्वितीय विभक्ति का मीनिंग होता है को, टी ओ, टू जिसे हम कहते हैं. तो त्वाम यानी तुम को, युवाम यानी कि तुम दोनों को, और युष्मान यानी तुम सब को. ठीक है, फिर तृतीय विभक्ति त्वया युवाभ्याम युष्माभिः. तृतीय विभक्ति का मीनिंग होता है
से या तो के द्वारा, जिसे हम इंग्लिश में बाय कहते हैं, बी वाई, तो त्वया यानी तुम से या तो तुम्हारे द्वारा। हम जनरली तुम्हारे द्वारा ऐसा ज्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि तुम्हारे द्वारा पोइम रिसाइट की गई, तो त्वया। फिर युवाभ्याम, तुम दोनों के द्वारा, और युष्मा भी, तुम सब के द्वारा। फिर चतुर्थी, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। चतुर्थी का मीनिंग होता है फोर, FOR, के लिए। तो तुभ्यम का मीनिंग क्या होगा? तुम्हारे लिए। जैसे कि आपको ये सेंटेंस बोलना है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ समाचार लाया हूं, तो आपने क्या बोला? तुम्हारे लिए, तुभ्यम। फिर युवाभ्याम, तुम दोनों के लिए, और युष्मभ्यम, तुम सब के लिए। फिर पंचमी, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्। पंचमी का मीनिंग होता है फ्रॉम, FROM, फ्रॉम यानी कि से। तो त्वत् यानी तुम से। जैसे कि मुझे ये सेंटेंस बोलना है कि मैंने तुमसे 100 रुपये उधार लिए, आई टुक, या तो आई बोरोड 100 रुपीज फ्रॉम यू, तो फ्रॉम यू यानी ये हुआ ना त्वत्। फिर युवाभ्याम, तुम दोनों से, और युष्मत्, तुम सब से। फिर षष्ठी, तव। तो षष्ठी का मीनिंग होता है ओ, यानी कि रा रे री, तुम्हारा तुम्हारा री तुम्हारे। तो तव यानी कि तुम्हारा। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा ही उसका मीनिंग निकले, तुम्हारी भी हो सकता है। जैसे कि मुझे एक सेंटेंस बोलना है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं ये बोल सकता हूँ तव नाम किम। अब मुझे ये तुम्हारा नहीं बोलना है, तुम्हारी बोलना है। जैसे कि तुम्हारी पुस्तक मुझे दो, तो तव पुस्तकम मह्यम ददतु। या तो मुझे ये बोलना है कि तुम्हारे बाल घुंघराले है, तो तव केशाः सुंदराणि सन्ति। फिर युवयोः यानी कि तुम दोनों का, और युष्माकम तुम सबका। जैसे कि हम अभी एक सेंटेंस बोल सकते हैं कि अभी तुम सब का ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तुम्हारे सब लोगों के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो तब ये शब्द सही बैठेगा, युष्माकम, राइट। फिर सप्तमी, त्वयि युवयोः युष्मासु। सप्तमी का मीनिंग होता है मैं या पर। जैसे कि मैं आपको बोल सकता हूं कि तुम में, तो त्वयि। आपने एक मूवी का नाम सुना होगा, तुझ में रब दिखता है, तो तुझ में यानी तुम में, वो एक ही बात हुई। तो त्वयि एक वचन में, युवयो हो तुम दोनों में, और युष्मासु तुम सब में। ठीक है, तो अच्छी तरह से आप एक बार फिर से टेबल को देखिए, और स्क्रीन पर पॉज करके इसको नोट डाउन भी कीजिएगा। और मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्म 5 में ये सब मीनिंग्स समझाए थे, तो आपको भली भांति याद याद ही होगा, बहुत ही इजी है। तो वापस से इसको एक बार आप रिफर कर सकते हैं। मैं एक बार आपको उसका प्रोनाउंसिएशन करवा देता हूँ, मीनिंग तो हमने समझा अच्छी तरह से, फिर एक बार प्रोनाउंस करवा देता हूँ। प्रथमा है त्वम युवाम यूयम, द्वितीया त्वाम युवाम युष्मान, तृतीया त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, चतुर्थी तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, पंचमी त्वत्
युवाभ्याम युष्मत्, षष्ठी तव युवयोः युष्माकम्, और सप्तमी त्वयि युवयोः युष्मासु। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो में ये युष्मद् शब्द के विभक्ति के रूप पढ़े। अब जैसे आपने पंच फॉर्म फाइव में पढ़ा था कि भाई बालक का टेबल था, बालक शब्द था, तो उसका पूरा टेबल हमने बनाया था, बालकः बालकौ बालकाः, द्वितीया बालकम बालकौ बालकान, तृतीया बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, चतुर्थी बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, पंचमी बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, षष्ठी बालकस्य बालकयोः बालकानां, सप्तमी बालके बालकयोः बालकेषु, और संबोधन हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। तो आपने फॉर्म फाइव में ये बालक का टेबल पढ़ा था, वैसे ही लता का और लत फल का भी पढ़ा था। तो वो क्या थे? नाउन थे, यानी कि नाम थे। बालक आफ्टर ऑल एक नाउन होता है, लता एक नाउन होता है, फल एक नाउन होता है, तो वो सब नाउन के विभक्ति के रूप थे। आज जो हमने पढ़ा युष्मद् और आगे आने वाले वीडियो में भी जो हम पढ़ेंगे अस्मद् नेक्स्ट वीडियो में, वो ये युष्मद् और अस्मद् ये प्रोनाउन है। जैसे ही शी इट प्रोनाउन कहलाते हैं, वैसे आई और यू भी प्रोनाउन कहलाते हैं। तो एक खास बात आपको ये याद रखनी है कि बालक लता और फल में हमने संबोधन पढ़ा था, क्योंकि वो नाउन होने के कारण किसी को हम रिस्पेक्ट दे सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं, बट प्रोनाउन में संबोधन नहीं होता। जैसे आपने अभी इसमें पढ़ा कि त्वयि युवयोः युष्माकम् सप्तमी तक हमने पढ़ा, फिर संबोधन हम किसी को ये नहीं कह सकते कि हे तुम, क्योंकि बालक में कह सकते हैं कि हे बालक, अरे बालक, भो बालक, तो वो बालक का नाउन का संबोधन हो सकता है, बट प्रोनाउन में हम किसी को, सामने वाले को खास करके ये रिस्पेक्ट के साथ, ऐसे नहीं कि हे तुम मुझे बुलाओ। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोनाउन में संबोधन नहीं होता, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने ये जो युष्मद् शब्द के विभक्ति के रूप पढ़े, वैसे ही नेक्स्ट वीडियो में अस्मद् शब्द के विभक्ति के रूप पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।